नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मायावती की, और मायावती के जिस तरह से हमलावर रुख हैं और ख़ासतौर पर मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करने के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो मुसलमानों का प्रतिशत है वो तकरीबन 19% के तकरीबन वोट बैंक मुसलमानों का है, और अगर 1993 से 2012 की बात करें तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है उसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आई। तब तक घूमती नज़र आई जब तक मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी की जा रही थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन ये मिथक टूटा, 14 में टूटा, 17 में टूटा, 19 में टूटा। उसकी वजह ये थी कि दलित वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक जो था वो छिटक कर बीजेपी की तरफ खड़ा हो गया। अब मायावती खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से हमलावर हुई हैं। वो अखिलेश पे हमला करवा रही हैं आकाश के ज़रिए, वो खुद हमला कर रही हैं बीजेपी पर, वो सर्वे पर सवाल उठा रही हैं। सर्वे पर क्यों सवाल उठा रही हैं, वो हमलावर क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह जानने के लिए आज इस बहस को हम एक मोड़ देंगे और एक आयाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे साथ ही कई साथी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनोज सिंह काका हैं, कृष्णकांत जी हैं, और धर्मवीर चौधरी जी भी हैं, और संजय चौधरी जी भी हैं। इस सरकार सर्वे करा रही है मदरसों की बेहतरी के लिए, जो जो कमी है उनमें, जो जो खामियां हैं, सरकार उसमें क्या क्या कर सकती है उनमें बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए। आज की तारीख में संचार क्रांति का युग है, उसके लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। और सर्वे कराने के पीछे केवल मंशा सरकार की मदरसों की बेहतरी के लिए है। सर्वे में कुछ बिंदु हैं जिसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं, क्या बेसिक इंफ्रा फैसिलिटी है, क्या कौन से टीचर्स हैं, कब से चल रहा है, और बेसिक फैसिलिटीज़ इंफ्रा की, पेयजल की है कि नहीं, और सरकार की किस योजना का लाभ, जैसे कई सारी योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, कौशल विकास, किस योजना का लाभ वो संस्था ले सकता है, ये तमाम प्रश्न उसमें रहेंगे। मदरसा सर्वे के नाम पर ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसे के बड़े हिस्सों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए बाल विकास से एक लेटर माइनॉरिटी अफेयर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको जा चुका है, और ये पूरी कहानी असम मॉडल पे किस तरह से 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो। मदरसों पर जो विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं लोग, विदेशी फंडिंग क्या सीधे कहीं से आ जाती है, FCRA के जरिए आती है? भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि वो फंडिंग अगर आ रही है और उसका मिसयूज हो रहा है तो भारत सरकार की एजेंसीज क्या कर रही है, और ये जांच एक बृहत्तर रूप से सभी के लिए हो। तो आपने सुना कि सर्वे पर संग्राम जारी है, और सर्वे के बाद मायावती कुछ ट्वीट करती हैं। उन ट्वीट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर, ये बोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि निजी मदरसों में हस्तक्षेप का प्रयास जो है वो अनुचित है। तुष्टिकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति कर रही है बीजेपी, ये भी कहा। मुस्लिमों के दमन और उनको आतंकित करने का प्रयास कर रही है। तो साफ तौर पर था कि अब वो मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हुई दिख रही हैं, और इसकी साफ वजह है कि वो चाहती हैं कि 2024 का चुनाव है वहाँ पर वो जो वोट बैंक अभी जो दिखता है समाजवादी पार्टी के नाम है, मुस्लिम वोट बैंक, उस पर सेंध लगा सके। तो इसका सीधा जवाब हम लेते हैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी से। मनोज जी, मायावती ट्वीट कर रही हैं, हमले कर रही हैं, बीजेपी पर हमले कर रही हैं, लेकिन उनका जो निशाना है, जो साधने की कोशिश कर रही हैं, जो वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं, वो कहा जाता है कि वो आपका ही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का तो लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे पत्रकार हैं,
सभी को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय का और संपूर्ण धर्म का और सभी तरह के मैं समझता हूं कि तबके की एक पार्टी है जिसके विकास में हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विचारधारा सम्मिलित रही। समाजवादी पार्टी ने अगर सड़क बनाई होगी, एक्सप्रेसवे बनाया होगा, 20 लाख लैपटॉप बांटा होगा, JPNIC बनाया होगा, बुद्धिजीवियों को, आप जैसे पत्रकार साथियों को अगर कोई सुविधा मिली होगी तो कभी जात वर्ग और धर्म के आधार पर नहीं होगी। लेकिन स्पष्ट ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का धर्म होता है, जिस संविधान की शपथ एक मुख्यमंत्री, एक मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री लेते हैं, क्योंकि कोई भी देश में किसी धर्म की शपथ नहीं लेता है हमारे लोकशाही में। लेकिन मनोज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है वो धर्म को देखकर होती है, वो जातियों को देखकर होती है। आप क्या ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं? कोई भी पार्टी हो, वो आपकी भी पार्टी हो, तो आपकी पार्टी क्या जब सर्वे कराती है, जब टिकट देती है, तो वो ये नहीं देखती है कि किस विधानसभा क्षेत्र में या किस लोकसभा क्षेत्र में जातियों का प्रतिशत क्या है? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम धर्म, किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी भी जाति पर राजनीति नहीं करते हैं। क्या टिकट देने में आप इसका ख्याल रखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, फिर वो किसी भी जाति का हम उसको देंगे? मैं बिल्कुल आपको कहा, मुझे लगता है कि आप हमारे शब्दों को संकीर्णता के दायरे में देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय आधारित राजनीति करती है और सामाजिक न्याय यही है कि जो तबका, जो समाज, जो वर्ग सदियों से हाशिए पे हो उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसका बेहतर प्रबंधन और उसके लिए उनकी राजनैतिक सुरक्षा कैसे उनको दिया जाए, आर्थिक रूप से उनको समृद्ध कैसा किया जाए, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। जो सवाल आपका है कि कोई हमारे वोट बैंक को टारगेट करना चाह रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जानती है, जो विगत चुनाव हुआ उसमें हमारे और भारतीय जनता पार्टी के वोट में लगभग 5 से 5.5 लाख का अंतर है, तो सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से देश का मुख्य निर्वाचन आयोग, जो देश के चुनाव की जिस पर जिम्मेदारी थी, उसने किस तरह से पक्षपाती रवैया अपनाया। चूंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है और मैं समझता हूं कि आप इस उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, किस तरह से गैर जिम्मेदाराना पर किस तरह से पक्षपाती रवैया, वो लोकतंत्र को समूल कुचलने वाला था, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देखिए दो नहीं होता, एक गांव में कहावत है कि गुड़ खाए गुड़गुले से परहेज। तो आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हैं, आप एक तरफ तो भारतीय जनता, आपका पूरा प्रयास और आपका पूरा राजनीतिक षड्यंत्र ये रहता है कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए। तो समाजवादी पार्टी और खास करके हमारा जो हाशिए पे जो समाज है, जो हमारे दलित भाई बहन है जिनकी लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी अपने पैदल यात्रा के जरिए, समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए लगातार लोग जुड़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, मेरे साथ धर्मवीर जी भी हैं, धर्मवीर चौधरी जी, मैं खत्म कर रहा हूं जी, धर्मवीर जी के मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास मनोज जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। धर्मवीर जी ये बताइए कि जिस तरह से मायावती ट्वीट कर रही हैं, हमलावर हो रही हैं, बीजेपी पे निशाना साध रही हैं, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी पे निशाना साध रही है, और खास तौर पर जो मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको रिझाने की कोशिश की जा रही है और सर्वे पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? इस देश में जब ये देश आजाद हुआ था जी, मुस्लिम समाज की सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी थी वो 38% थी जी, और इसके 60 साल के कुशासन और बीजेपी के 10 साल से ज्यादा के कुशासन, तो मैं कहूंगा कि 17 साल के कुशासन का जो आंकड़ा है उसमें 1% भागीदारी मुस्लिम समाज की रह गई है। तो ये बहुत सोचने का प्रश्न है, जो ठेकेदारी करते हैं मुस्लिम समाज की, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये भागीदारी कैसे कम हुई और मुस्लिम समाज आज हाशिए पर कैसे पहुंचा। और रही बहुजन समाज पार्टी की और बहन कुमारी मायावती जी की बात, तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ चलती है और सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी में निहित है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों और चाहे दलित समाज के लोग हों।
आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, एक पार्टी है जो मुसलमानों के वोट लेना चाहती है लेकिन मुसलमानों के हित में कभी वो खड़ी नजर नहीं आएगी। कौन सी पार्टी है धर्मवीर जी, कौन सी पार्टी है वो? कभी वो खड़ी नजर नहीं आएगी जी। वो एक परिवार जी, धर्मवीर जी कौन सी पार्टी है? पार्टी मुझे बोलने दीजिए, वो अपने परिवार के हित में खड़ी हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी वो वोट लेंगे, और अभी मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को करारा तमाचा मारा बाय इलेक्शन आजमगढ़ में। हम 13% पे थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, हम 30% वोट को क्रॉस कर गए आजमगढ़ में। तो ये मुस्लिम समाज के लोगों ने, ये सर्व समाज के लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। हम मनुवादियों के किलों को तोड़ नहीं पाए लेकिन हम चटकाने का काम जरूर किया। और इनको, ये दोनों पार्टियों को जो मुसलमानों से नफरत करती हैं, एक उनको छलावे में लेकर के वोट लेती है और एक उनके विरोध में जाकर के उनको प्रताड़ित करके बेइज्जत करना चाहती है समाज में। बीजेपी की संकीर्ण सोच की जो मानसिकता है वही आज दिखाई पड़ रही है। और जब जब मुस्लिम समाज पर या किसी भी समाज पर ऐसी सोच ला दी जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता उस समाज के साथ खड़ी भी नजर आएंगी। धर्मवीर जी, आपको कैसे लगता है कि धर्मवीर जी, मेरा एक सवाल है, धर्मवीर जी मेरा एक सवाल है, आपको कैसे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है? इस तरह की आपको घटनाएं कुछ पता है? मैं बता देता हूं आपको जी, आज योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के किसी भी माफिया पर कोई बुलडोजर उसके घर के सड़क से भी निकला तो आप मुझे बता दीजिए जी। 40% से ज्यादा इनके सांसद दागी हैं और एक ही जाति का यहां पर उत्तर प्रदेश में जो तांडव चल रहा है, आप सिपाही से लेकर के और एसपी डीएम तक की लिस्ट निकलवा लीजिए उसमें किस बिरादरी का है मामला, ये आपको श्रेय जी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज मुस्लिम समाज के लोग प्रताड़ित हैं। इस 70 साल में कैबिनेट में अगर पहली बार कोई मुसलमान नहीं है मंत्री तो ये इस सरकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। सबको साथ लेकर के सबके साथ सबका विकास की बात करती है, ये खोखला नारा है बीजेपी का। आज ना तो इनके साथ में दलित समाज के लोग हैं, ना ये किसानों का साथ दे पाए, ना ये मुस्लिमों का साथ दे पाए। और ये जो मुस्लिमों के घर बुलडोजर जा रहे हैं, ना ये कोर्ट की बात मानते हैं, ना ये संविधान की बात मानते हैं। इनको तो अपनी गुंडागर्दी से मतलब है। अगर योगी आदित्यनाथ जी इतने ही अच्छे मुख्यमंत्री होते तो ये जो सरकारी मदरसे हैं जो बहन जी ने कहा है, पहले इनको ये हाईटेक करते। और इनकी जो दुर्दशा है, आज मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व 1% रह गया है, इस पर ये अगर फोकस करते, इनको अनुदान देते। बहन जी ने अपने शासन में श्रेय जी लखनऊ में मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम से उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। हमारे शासन में गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण हुआ लेकिन आज उसमें ताले लटके हुए, जब से सरकार बनी है दोनों सरकारों ने साथ नहीं दिया। चलिए इस बात का जवाब हम प्रवक्ता हैं जो बीजेपी के उनसे ले लेते हैं, संजय चौधरी से। चौधरी साहब, चौधरी साहब, एक दूसरे चौधरी साहब से हम जवाब ले लेते हैं। जेल में भी मिलने नहीं जाते हैं। संजय जी, दोहरे चरित्र, तमाम आरोप लगा दिए गए हैं बीजेपी पे कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान प्रताड़ित है, और जो मायावती की सरकार में जो दलित समाज के कार्यक्रम लागू किए गए थे वो लागू तब किए गए थे और अब उन पर ताले लगे हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो चाहे वो कार्यक्रम हो। देखिए शेर जी, अभी आप धर्मवीर जी से बात कर रहे थे तो आप जी, मैं सुन रहा हूं। आपने कहा कि उदाहरण बताइए, तो वो कोई उदाहरण नहीं बता पाए या इको कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूं। बसपा की सरकार के समय एक मंत्री थे और उन मंत्री जी का नाम था डॉक्टर मसूद अहमद। डॉक्टर मसूद अहमद मंत्री थे, फैजाबाद से थे, शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर मसूद अहमद साहब का मायावती ने घर से निकलवा के सामान बिकवा दिया था। डॉक्टर मसूद अहमद की कौन थे भाई, वो तो मुसलमान थे, मायावती जी ने उनके साथ क्या किया था?
तो मुझे लगता है कि अगर बेहतर जानकारी के साथ बोलेंगे। दरअसल बात क्या है कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में अगर धर्मवीर जी पढ़कर आते तो ऐसी बात न करते। ये तो स्थिति ऐसी है कि जैसे कौवा कान ले गया और आप कान के पीछे भाग रहे हैं, वास्तव में कान देखिए कान लगा हुआ है। मदरसों का सर्वे इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक अपना पत्र भेजा और उत्तर प्रदेश के मदरसा आयोग ने मदरसे के जितने भी उस आयोग के मेंबर्स हैं जो खुद मुसलमान हैं, उन्होंने सर्वसम्मति के आधार से निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति, जो जो गरीब समाज के बच्चे रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, इसको सर्वे करने के लिए 12 पॉइंट्स पर सर्वे हो रहा है। आप बताइए कि इस सर्वे में 12 पॉइंट्स में से किस पॉइंट को लेकर समाजवादी पार्टी या बसपा को आपत्ति है? जो 12 पॉइंट्स हैं उसमें से पॉइंट बताने की तरह कष्ट करें तो मुझे लगता है कि मुद्दों को केवल झुठलाने के लिए और गलत आधार पर। मायावती अपनी ट्वीट में 3 बातें रखती हैं, वो कहती हैं शोषित, वो कहती हैं उपेक्षित और दंगा पीड़ित। जिस सरकार के कार्यकाल में केवल एक दंगा होता है वहां दंगे का पीड़ित कैसे हो सकता है? और हमारी योजनाओं में कोई भी उपेक्षित नहीं है, इसीलिए मुसलमान समाज भी शोषित नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी सत्य को जाने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार का वक्तव्य, जो जो माफियाओं को पालने का काम बीजेपी करती है। अरे भाई, बहस तो यहां पर मुसलमानों के बारे में हो रही है, बहस तो मदरसों के सर्वेक्षण के बारे में हो रही है। तो मुझे लगता है टू दी पॉइंट बात करें, तर्कों के साथ बात करें। अगर आपने सर्वे की जो रिपोर्ट है, सर्वे किस बिंदु पर हो रहा है और उस पे किस बिंदु पर आप आपकी आपत्ति है, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो इसका जवाब मुझे आप देंगे। जी चौधरी साहब, आपको किन बिंदुओं पर आपत्ति है? धर्मवीर जी देखिए, मैं श्रेय जी आपको बताऊं कि मुझे जो आपत्ति है, आज एक तरफा कार्रवाई जो दमन की कार्रवाई एक तरफा जो चल रही है जाति धर्म को देख करके, वो बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, कहीं कहीं जो है ये दूसरे समुदाय को टच ही नहीं कर रहे हैं। इस देश का, इस प्रदेश का मुसलमान क्या, इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपना खून नहीं बहाया क्या? और आज उत्तर प्रदेश में जो ये मदरसों की जांच करवा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो है ये इनको भय में रखना चाहते हैं। ये इनको जो है भय में रख करके ये अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास ना करें, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास ना करें। अरे अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कोई पैकेज, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बनाते मुस्लिम समाज के लिए कि जो इनके बच्चों को प्रतिनिधित्व मिलता उसमें। लेकिन सरकार तो इनका गला घोटने के लिए तैयार है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, वो भी एक तरफा। इस पर हमें सबसे ज्यादा आपत्ति है। और वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी लाइन में लगी रहती है। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के में दो पहलू हैं, दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों यहाँ आपस में इनकी मुद्दा कुश्ती वोट को लेकर के चलती रहती है। अरे भाई, ना आदेश को पढ़ोगे, ना उसको देखोगे, अरे हमने ना सब उसके किस पॉइंट पर विरोध है ये दर्ज कराओगे, सब अरे सब पढ़ा है। अच्छा, आदेश किसने जारी किया है? किसने आदेश जारी किया है? आप ना बताइए उसका। कुमारी मायावती जी के ट्वीट को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। और अगर आप में हिम्मत है तो सरकार से कहिए कि इनके पुनर्निवास के लिए ऐसे योजनाओं का कार्यक्रम चलाया जाए जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का भागीदारी का स्तर बढ़े, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। आप एक टिकट मुसलमान को नहीं देते हैं, फिर सबका साथ सबका विकास की बात कैसे करेंगे आप? मुस्लिम समाज क्या इस प्रदेश में 20% की भागीदारी का मुस्लिम समाज है? आप मुझे बताइए, 5 टिकट भी आपने मुसलमान को दिए, कितनी भागीदारी दी आपने मुसलमानों को? सर्वे के बारे में बताओ भाई, ये आज की बहस सर्वे के
अरे सर्वे सब फर्जी सर्वे किया, टोटल फर्जी सर्वे पर सरकार चल रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, यहाँ पर बलात्कार हर दो घंटे में हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कौन सा सर्वे की बात कर रहे हैं बच्चे? धर्मी चौधरी जी, संजय चौधरी जी, हम कृष्णकांत पांडे जी के पास चलते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, सर्वे पे बहुत जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है और बीएसपी अपना पक्ष रख रही है, उसका कहना है कि बहुत दमन हो रहा है और ये जो सर्वे किया जा रहा है इसका इंटेंशन ठीक नहीं है, ये इंटेंशन ठीक नहीं है, ऐसी ही कुछ कुछ भाषा जमीयत की भी थी। कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे सर्वे को लेकर, और मायावती जिस तरह से अब मुस्लिमों के पक्ष में अपने ट्वीट कर रही है, उनके पक्ष में खड़ी होती दिख रही है। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, हम आगे इन सारे जो मेरे गेस्ट हैं उनसे हम प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करने का। मेरे साथ हाजी हसन साहब हैं, हाजी हसन अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी साहब, ये बताइए कि मायावती ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि दमन करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके सर्वे पर जो की जो कोशिश की गई है, सर्वे की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, आप क्या क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेके, अच्छा हमारी बहन मायावती जी अक्सर ट्वीट ही करती हैं, कभी वो ये ट्वीट करती हैं कि अगर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया इसलिए हम नहीं लड़ाई में खड़े हो सके, कभी उनका कुछ ट्वीट होता है। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करें बिल्कुल, जो क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां वो राजनीति करें, लेकिन मदरसों को क्यों पीसा जा रहा है? आखिर मदरसों से कौन सी ऐसी अदावत हो गई कि मदरसों के ऊपर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को भी अपने, क्योंकि वो उनके प्रवक्ता को बताना ये चाहिए था कि भाई आर्टिकल 13 का वायलेंस इस तरह से नहीं हो रहा है, हम आप पहले कॉन्फिडेंस में लेना था, सर्वे कराइए बिल्कुल। अगर कोई भी देश की प्रदेश की सरकार किसी भी चीज़ को लेकर सर्वे कराना चाहती है, वो संविधान विरोधी नहीं होता है, तो बिल्कुल कराए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपनी मंशा सर्वे कराने की वजह क्या है? देखिए, मदरसा आधुनिकीकरण हुआ था मुलायम सिंह जी की सरकार में या अखिलेश जी की समाजवादी सरकार में, ये हुआ था। मदरसा आधुनिकीकरण की ढोल तो सब मजीरा पीटते हैं, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पे हुआ क्या था? जो बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें बार बार जांच भी हुई, वो स्कैम फिर भी नहीं पकड़, आज भी मैं दावा कर रहा हूँ न्यूज़ इंडिया, इंडिया न्यूज़ के चैनल के ऊपर बैठ के, कि आज भी धांधली है। जो मदरसे के टीचर्स नियुक्त किए गए थे, जिनको 14,000 रुपये या कहीं 10,000 रुपये केंद्रांश और राज्यांश के रूप में एक सहयोग राशि दी जाती थी, वो आपसी साठगांठ से कहाँ जा रही है, कहाँ क्लासेस चल रही हैं? पहले तो सर्वे इस बात पे होना चाहिए था जिन मदरसों को केंद्रांश और राज्यांश दिया जा रहा है, जो केंद्रांश रुका हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि वेतन नहीं मिला चार साल से जो रुका हुआ था, जिसकी पहली किस्त शायद अभी जल्दी अदा हुई है, ये भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसमें जो धांधली है, पहले तो सर्वे उसका होना चाहिए कि जिन टीचरों को वेतन दिया जा रहा है, वो लाभांश पा रहे हैं, वो मदरसे में अवेलेबल हैं कि नहीं। जब हम 517, मेरा सवाल एक और है, मायावती जी के आपने ट्वीट पढ़े होंगे या सुने होंगे, आज जिस तरह से उन्होंने मदरसों के सर्वे पे सवाल उठाए और मुसलमानों के हित की बात की, जैसे आपने कहा कि 2019 में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो आखिरकार ये अचानक मुस्लिम प्रेम जो है वो जगह कैसे? देखिए, सभी पार्टियों में इस वक्त एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, सब अपनी अपनी तैयारी 2024 को ध्यान में रख के कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे से हम सभी लोग जानते हैं कि ये 2024 की ही तैयारी हो रही है, लेकिन मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र को, खासकर मदरसों को, मदरसे में किसी भी, कोई भी एक राजनेता हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वो बता दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ता है, क्योंकि बहुत ही गरीब तबके के, जिनके पास कुछ नहीं होता, वही लोग उन मदरसों में जाते हैं जिनके सर्वे की बात हो रही है।
उन मदरसों में वही लोग जाते जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जिनके यहाँ शाम को चूल्हा जलेगा और उसमें रोटी के साथ सब्जी भी होगी या दाल भी होगी इसका पता नहीं होता, उनके बच्चे मदरसे में जाते हैं। लेकिन तो, आपको हसन साहब, आपको लगता है कि ये 2024 के चुनाव से पहले सर्वे हो रहा है तो इतना बवाल हो रहा है और इतने सवाल उठाए जा रहे हैं और इतने हितों की बात की जा रही है कि मुसलमान के हितों की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, ये कोशिश की जा रही है मुसलमानों को दिखाने की। अगर ये सर्वे किसी चुनाव के आसपास ना होता तो शायद पार्टियां उतना रिएक्ट ना करती। बिल्कुल ना करती उतना रिएक्शन। और तो और हमने 14 से पहले भी मदरसों के ऊपर आपके चैनल पे तो नहीं लेकिन तमाम चैनलों पे जब जब इलेक्शन आ जाते हैं कुछ बड़े तो तब तब मदरसा, कभी मस्जिद, कभी लाउड स्पीकर, कभी नमाज, कभी हिजाब, आखिर ये तभी उसी समय क्यों होता है भाई? कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए हम? अब सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ विकास की भी बात कर ले, कुछ बेरोजगारी की भी बात कर ले, कुछ शिक्षा की भी बात कर ले, जबकि शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मैटर ये है मदरसे का। लेकिन मेरी मांग ये है कि सरकार एक पहले सर्वे ये करा ले, जो केंद्रांश और राज्यांश दिया जा रहा है 700 कुछ मदरसों को, 517 या 15 जो भी उनकी क्वांटिटी है, जो लाभकारी मदरसे हैं उनमें जिन शिक्षकों को दिया जा रहा है क्या वो मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है? लेकिन हसन साहब ये बताइए कि मेरा सवाल ये नहीं है, अभी आपने बताया कि केंद्रांश और राज्यांश ऐसे मिले, ये हो वो हो, ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा पहलू है। बात यह है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जाता है और उसकी वजह कहीं ना कहीं अगर आप बहुत पीछे जाएंगे या माइन्यूट अगर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यही निकल के आती है बात सामने कि जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए मुसलमानों में, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे रंगनाथ कमेटी हो, सबने ये कहा कि इनका स्तर सुधारे जाने की ज़रूरत है मुसलमानों का। और जिस पसमानदा समाज की बात करते हैं वो बहुत पीछे खड़ा हुआ है। मुसलमानों में भी तबका है, एक तबका है जो कि एक तरह से कहा जाए राजनीतिक रूप से राज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में बात फिर वहीं घूम के आ जाती है कि जब तक राजनीतिक तौर पर मुसलमान सक्रिय नहीं होगा, और वो कब तक सक्रिय नहीं होगा, वो तब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई आप पहले अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी कीजिए। वो पढ़ाई लिखाई कैसे अच्छी होगी कि मदरसे जो कि प्राथमिक शिक्षा है एक तरह से, मदरसे हाईटेक हों, मदरसे अच्छे हों। और सरकार कहती है कि हमारी मंशा यही है कि ये हाईटेक हों और ये अच्छे हों, इसी वजह से हम सर्वे करा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो बड़ी छोटी बात होगी कि जब मदरसे हाईटेक होंगे तभी सरकार को प्राइमरी स्कूल जो हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे, हर मोहल्ले में खुले हुए हैं, जिन पे अब इस समय तो कई राजनीतिक पार्टियों का कब्जा हो चुका है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करें और मदरसों में भी सुधार करें। मदरसों का जब मॉडर्नाइजेशन की बात हुई थी तो हम सब पहले आदमी थे जिसने सबसे बढ़ के आगे बढ़ के स्वागत किया था कि बिल्कुल कीजिए, लेकिन हुआ क्या, दो टीचर दिए गए और जिनको भी जो काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रधान और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की और उस बोर्ड की मिली भगत से वो कभी वहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं उनकी मदरसों में। जी बिल्कुल, कृष्णकांत पांडे जी से एक सवाल करता हूँ मैं। कृष्णकांत जी, आपने सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने बसपा को सुना, सब अपना अपना पक्ष रख रही हैं। बसपा जो आजकल बिल्कुल हमलावर हो रही है और इधर 2-3 दिन में बहुत सक्रिय है, खासतौर पर ट्विटर वॉर एक तरह से कहा जाए वो जारी है। आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कवायद है या फिर सच में वो इस सर्वे का विरोध कर रही है? अश्रेय जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद इस बात के लिए देंगे कि आज बरसों बाद यह देखने को मिला है कि बसपा और भाजपा एक दूसरे से आपके चैनल पर लड़ रहे हैं, भाजपा वर्सेस बसपा, जबकि ऐसा अभी हाल तक कभी नहीं रहा है। और बसपा अचानक मायावती जी ट्वीट करे बीजेपी के खिलाफ, जैसे गले के नीचे उतर नहीं रही है बात, पता नहीं क्यों कि आज उनको मुसलमानों की याद बहुत ज्यादा आने लगी। 4 बार की उनकी सत्ता में, जहां तक मेरी जानकारी है, 3 बार वह बीजेपी के ही समर्थन से मुख्यमंत्री रही, 2007 से 12 का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो, और अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में और लोकल बॉडी के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं। जो
कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं ये जो है बीजेपी के अलावा किसी की बात की हो। अब मुझे लग रहा है मायावती जी अचानक सोने में जग गई, अचानक राजनीति उनको याद आ गई, या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अब मुद्दे पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी का भी सर्वे करे, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। हमारा अनुरोध केवल इतना है कि आप सर्वे करिए, सर्वे के नाम पर उन्माद मत फैलाइए। इस देश में, इस प्रदेश में हमारी भी बहुत दिनों तक सरकार रही है, संविधान हमको अधिकार देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है, चाहे वह दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, या चाहे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हो, सबको अपने अपने धर्म और ईमान की हिफाजत करने की हमारा संविधान अधिकार देता है, और वह करें। लेकिन राजनीति के नाम पर, केवल मुसलमान के नाम पर राजनीति, या किसी भी जाति किसी धर्म के नाम पर हम राजनीति करके केवल हम एक उन्माद फैलाने का काम करें, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। और यह केवल अगर उद्देश्य अच्छा है, नियत अच्छी है, तो कोई हमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर केवल नियत नहीं होगी, 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं यह बहुत उचित नहीं होगा। और अभी चाहे मदरसे हो, सरस्वती विद्या मंदिर हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, और चाहे जितने भी कॉलेज संस्कृत विद्यालय हो, सारे भी चीजों किसी का भी सर्वे करें, लेकिन इनकी नियत अच्छी होनी चाहिए। अब नियत ऐसी ना हो कि केवल एक माहौल बनाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, पांडे जी, ये नियत का पैरामीटर कौन तय करेगा? पांडे जी ये नियत का पैरामीटर कैसे तय होगा कि ये नियत अच्छी और ये नियत खराब है? पैरामीटर तो जनता तय करेगी, तो 2024 में तय करेगी, या तो पिछला रिकॉर्ड बताएगा। देखिए श्रेय जी, ये तो पिछला रिकॉर्ड बताएगा कि किसकी नियत कैसी है, और इसके बाद ये जनता तय करेगी चुनाव में कि सही नियत से किसने काम किया, सही नियत से किसने काम नहीं किया, यह तो जनता तय करेगी। आज स्थिति यह है कि हंगर इंडेक्स में हम 101वें नंबर पे हैं 116 देश में। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी पे हम हैं, लेकिन आज उसकी चर्चा ना हो, अब मदरसे की चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। आज स्थिति है कि एलपीजी का इस 8 सालों में 156% की वृद्धि हुई है, पेट्रोल में 40%, डीजल में 75%, सरसों के तेल में 122%, इस तरह से सारे चीजों जी। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, हम मनोज सिंह से इस बात का जवाब लेते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि कृष्णकांत पांडे जी बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम तरह की और दिक्कतें हैं, लेकिन ध्यान को भटकाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं उस सर्वे को कराने दें, क्या दिक्कत है, करिए आप सर्वे। जब आप इस मुद्दे को उछालेंगे तो फिर महंगाई और भ्रष्टाचार और तमाम तरह की समस्याओं से जो पब्लिक का ध्यान है वो हटेगा ही। देखिए आपने कितना आपने संवाद के प्रारंभिक प्रस्तावना में ही आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% अल्पसंख्यक की आबादी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 403 विधायकों के टिकट में से उसके अनुसार अगर उनके जनसंख्या के हिसाब से भी हिस्सेदारी दी जाए तो उनको कम से कम 80 टिकट दिए जाना चाहिए था। तो जो भारतीय जनता पार्टी मदरसों के द्वारा मुसलमानों का बहुत शैक्षणिक स्तर सुधारना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जब उनके राजनैतिक हक की बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र में बिना राजनैतिक हिस्सेदारी के आप आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हिस्सेदारी नहीं हासिल कर सकते, तो वो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से क्यों इतना नफरत करती है कि जिसके 300 से ज्यादा सांसद हो, 1000 से ज्यादा पूरे देश में 1100 लगभग विधायक हो, वो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, तो उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहती है कि इस देश में उन्माद फैले, जो धार्मिक सद्भाव हमारा सदियों से है वो बिगड़े, क्योंकि वो विकास पे बात कभी नहीं कर सकते। 400 रुपया जब सिलेंडर रहेगा तब तो उसको सड़क पर लेके नंगा नाच करेंगे, और 1100 रुपया सिलेंडर आ गया तो इनको फिर महंगाई नहीं दिखती है। 55 रुपया जब डीजल था तब बुरे दिन था, और ये 100 रुपया डीजल कर दिए हैं बेचारे, तब अच्छे दिन है। तो ये झूठों के बादशाहों से जिन्होंने देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सद्भाव हर स्तर पर लूटा और नोचा है, इन झूठों से किसी तरह के नैतिकता की और किसी तरह के शुचिता की और किसी तरह के विकास की आप उम्मीद कतई नहीं कर सकते। ये कहेंगे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ेंगे और लखनऊ का एयरपोर्ट भेज देंगे अडानी को, ये कहेंगे
कि बुलेट ट्रेन आएगी और देश का रेलवे ट्रैक भेज देंगे। ये कहेंगे कि एक विश्वविद्यालय विगत 8 सालों में नहीं खोल पाए, 5 IT नहीं बना पाए। इसी लखनऊ में क्या यह सच नहीं है कि PGI में रोज ICU के अभाव में कई कई लोगों के 100-100 लोगों की जान जाती है। 8 साल से सरकार है, 1 PGI बना के दिखाए होते, 5 नए AIIMS बना के दिखाए होते, तो काम तो करना नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में काम है वो समाजवादी पार्टी की सरकार, और झूठ बोलना है और चंद उद्योगपतियों की गुलामी करनी है तो करते रहो, जय बोलते रहो, इसी को लोकतंत्र समझ रहे हो तो तुम्हें बधाई जी। संजय चौधरी जी, आपने सुना तमाम आरोप आपके पास आपके ऊपर लग रहे हैं, बीजेपी सरकार पे लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं। उनका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्माद फैलाते हैं, क्योंकि आज हमारा बहस का जो विषय है वो यही है कि मायावती जिस तरह से मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और लगातार ट्वीट कर रही है, और ट्वीट करने के साथ साथ वो मुसलमानों के पक्ष में ट्वीट भी कर रही है और समाजवादी पार्टी पर निशाना अपने भतीजे से करा रही है। तो इन सारे जो आरोप लगे हैं इनका क्या जवाब है आपके पास? और उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, संजय जी को सुन लेते हैं, कि 26,000 सरकारी विद्यालय बंद हो गए, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कौन सा सर्वे कराया, क्यों 26,000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए? जी बिल्कुल, इस बात का जवाब लेते हैं जी। 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, वो कब भरेंगे, उसका सर्वे कब कराएंगे? जब नौजवान अपना रोजगार के लिए हक मांगेगा तो लाठी चलवाएंगे, शर्म तो आती नहीं है? और जब वो आपके धार्मिक जुलूसों में आपका जय बोलेगा तो फूल छिड़कवाएंगे, जब अपने माँ बाप बहन के लिए आर्थिक सुरक्षा मांगेगा कि साहब रोटी दे दो तो लाठी चलवाएंगे, और चैनल पर बैठ के ऐसी बड़ी बात करेंगे जैसे लगेगा कि कितना आपने भारत का निर्माण कर दिया, जबकि सच यह है कि भारत का विनाश किया है आपने जी। धर्मवीर जी, एक चीज और बताइए मुझे कि आकाश आनंद ने ट्वीट किए कुछ, उन्होंने कहा जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये समझ नहीं पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं, अखिलेश जी ना जाने किस भ्रम में है। तो ये टारगेटेड जो हमला हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए श्रेय जी, अभी ये मनोज काका प्रवचन दे रहे थे, जरा इको आ रहा मेरा, जरा बंद कराइए। तो ये बताएं, अरे मैं प्रवचन नहीं दे रहा था, जरा ये बताएं मनोज काका, ये बताएं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा था, मैं तथ्य पे बात कर रहा था। अरे सुन लीजिए, आप हमको बोलने दीजिए, प्रस्तुत करके बात करो कि ये बताइए कि ये धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ क्यों ले जाते हैं, क्या इनको वहां पर कोई मुस्लिम समाज का बेटा लोकसभा लड़ाने के लिए नहीं मिला? लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के बेटे गुड्डू जमाली को लड़ाने का काम किया और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। 30% से ज्यादा हमारा वोट परसेंट चला गया, और ये समाजवादी पार्टी के लोग और ये बीजेपी के लोग जब हम रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारते तो कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, और हम वहां उतार देते हैं तो कहते हैं बीजेपी से मिले हुए हैं। प्रत्याशी लड़ाए तो इनको दिक्कत, प्रत्याशी ना लड़ाए तो इनको दिक्कत। और आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है रामपुर वाले चचा के संदर्भ में, तो यह पूरा प्रदेश देख रहा है कि यह किस तरीके से एक परिवार की पार्टी है। इनको ना रामपुर के चचा से मतलब है, ना शिवपाल चचा से मतलब है। अगर ये बाहर बच जाते हो तो चले जाए। पानी पी लो, पानी देखो, पानी पी लो। तो श्रेय जी, ये वो लोग हैं जो 2005 में मुलायम सिंह जी ने 17 जातियों को, ओबीसी की 17 जातियों को जबरदस्ती SC बना दिया, और आदरणीय बहन जी ने कहा कि अगर आप इनको SC में ला रहे हो तो SC का जो प्रतिशत है 21% से ज्यादा 25% करिए। लेकिन ये संवैधानिक काम नहीं करते हैं, ये वोट लेने के लिए ठगने का काम जरूर करते हैं। उसी की परिपाटी को किसने आगे बढ़ाया? योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया। हाई कोर्ट ने इनके मुंह पर अभी तमाचा मारा और सारा कुछ निरस्त कर दिया, क्योंकि ये जो इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई, ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है कि कौन किस उसमें रहेगा, लेकिन ये लोग जो है ना संसद की मानते, ना संविधान की मानते, ना हाईकोर्ट की मानते।
और इनको वोट जरूर चाहिए। काका यहां प्रवचन देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता यहां प्रवचन देंगे और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। 19 मंत्रालय बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास थे 19 मंत्रालय। ये बताएं कि 19 मंत्रालय इन्होंने किस मुस्लिम समाज के भाई को बेटे को दिए। आज भी बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं लोकसभा के, चाहे वो सहारनपुर के हमारे मुस्लिम समाज के सांसद हो, चाहे वो अमरोहा के भाई दानिश अली हो। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ साथ उचित प्रतिनिधित्व देती है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो। हमने 100 से ज्यादा मुस्लिम समाज के कैंडिडेट लड़ाने का काम किया और इस देश की आजादी के बाद में चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो चाहे दलित समाज हो, सबको प्रतिनिधित्व दिया, राजनीतिक हिस्सेदारी दी। और बहुजन समाज पार्टी ने तो अपना नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी हिस्सेदारी के क्रम में सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो धर्मवीर जी ये बताइए, धर्मवीर जी ये बताइए, खासकर धर्मवीर जी आप ये जी, धर्मवीर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है, धर्मवीर जी उनको जो है लुभाव में लेकर के धोखे से वोट लेता है। धर्मवीर जी एक चीज मुझे बताइए, सवाल का जवाब दीजिए कि आज आपको समाजवादी पार्टी में खराबी लग रही है लेकिन आपने उनके साथ गठबंधन किया था, तो उस वक्त क्या आपको ये खराबी नजर नहीं आई थी? देखिए श्री जी, मनुवादियों को हराने के लिए ये जो मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, बहन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं और जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जातियों की राजनीति करते हैं, उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ऊपर उठ करके लोहियावादी और अंबेडकरवादियों के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन ये वोट नहीं दिला पाए। ये वोट अगर दिलाते तो कन्नौज से डिंपल यादव नहीं हारती, यहां से जो है प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे नहीं हारते, इनके परिवार में ही फूट थी। ये बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हुआ लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोई वोट था वो कोई वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। तो हमने तो एक अच्छी सोच के साथ में ये प्रयोग किया था और आज से बहुत साल पहले माननीय साहब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। तो बहुजन समाज पार्टी तो सबको साथ लेकर के सभी संप्रदाय के लोगों को, धर्मवीर जी एक सवाल है, एक सवाल और है मेरा जी, बिल्कुल आप सबको साथ में लेके चलते, एक और सवाल है मेरा धर्मवीर जी, आपने बताया कि आपने क्यों ये गठबंधन किया था, लेकिन जब गठबंधन किया था और फिर अलग हुए, एक शेर है कि जब हम कभी वापस दोस्त बन जाएं तो फिर शर्मिंदा ना हो, ऐसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की ट्वीट आकाश आनंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 2-2 बजे तक सो के उठते हैं, अखिलेश जो हैं वो देर तक सो के उठते हैं और अपने कामों को ठीक से अंजाम नहीं देते। मेरा सवाल पूरा सुनिएगा, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या 2019 में वो जल्दी सो के उठते थे? देखिए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक साइकिल यात्रा भी की थी। जब इनके भागीदार साझीदार राजभर साहब वो खुद कह रहे हैं कि ये जो है एयर कंडीशन से नहीं निकलते, तो आकाश आनंद जी ने तो अब कहा भागीदार रहे, अब तो अलग अलग रहे होगी, धर्मवीर जी अब तो इसी से नहीं निकलते, अब तो अलग अलग रहे होगी, अब कहा भागीदार है किसकी? अब राजभर जी ने अलग राह पकड़ ली, जब भागीदार थे तभी की तो बता रहे थे कि ये जब चुनाव चल रहा था तो एयर कंडीशन से नहीं निकलते थे। वो तो हारने के बाद बताया, वो हारने के बाद बताया उन्होंने, थे जब उनके साथ में काम कर रहे थे। अरे तो हारने के बाद बताया तो क्या कोई जुलम हो गया भाई? आदमी ने चुनाव लड़ा, उसका एक्सपीरियंस आया, उन्होंने अपना बयां कर दिया और आज माननीय आकाश आनंद जी अगर ये कह रहे हैं कि ये 2 बजे सो के उठते हैं, तो आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं, आपका चैनल बड़ा बड़ा चैनल है, आपके पास तो सारी रिपोर्ट है, ये 2 बजे ही सो के उठते हैं,
इससे समाजवादी पार्टी में विघटन की स्थिति पैदा हो गई है। शिवपाल यादव जी ने क्या कहा और जो है ये राजभर साहब ने क्या कहा, आजम खां के स्टेटमेंट क्या है, ये पूरा देश जान रहा है। तो इसमें कोई आकाश आनंद जी ने जो कहा है कोई भेजा बात नहीं की है, उन्होंने सत्य ही कहा है जी। संजय जी ये बताइए कि अभी आपसे संपर्क थोड़ा सा टूट गया था तकनीकी वजह से। संजय जी मनोज सिंह कह रहे थे कि आपका जो सर्वे है उसके पीछे की मंशा उन्माद फैलाना है, तो आपको लगता है कि क्या इस सर्वे के बाद कुछ उन्माद फैल सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आज की बहस में विषय के अलावा काफी बात हो रही है जी। जी हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। इस सर्वे में जो सर्वे के लिए जो तथ्य जुटाए जाने हैं वो 12 बिंदुओं पर सर्वे होना है। उन 12 बिंदुओं में से जो पैनल में बैठे हैं वो बताएं कि किसको 12 बिंदुओं में से किस बिंदु पर आपत्ति है, कौन सा बिंदु ऐसा है जो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि बिना सर्वे के बिंदुओं को देखे हुए, बिना आदेश को पढ़े हुए, गैर तथ्यों को रखकर केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को बनाकर इस सर्वे का विरोध किया जा रहा है। इसका सच से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौवा कान लेके उड़ गया, आप कौवे के पीछे भागिए लेकिन कान आपके लगा है ये आप देखने की कोशिश नहीं करते। ये लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार का वास्तव में सारे के सारे वर्गों को दो ऐसी योजना बता दीजिए जो आपने मुस्लिम समाज के हित में पिछले 6 वर्षों में चलाई हो, 5 वर्षों में चलाई हो, आप बता दीजिए मुझे दो योजना बता दीजिए आप मुझे। और कितनी आपने मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी दी राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, गाजियाबाद में मुस्लिम जातियों को आपने आप क्या बात करते हैं? एक योजना बताई है जिसमें मुस्लिम समाज के प्रति अन्याय हो रहा हो। हम मुसलमानों के आधार पर योजना नहीं बनाते, हम हिंदू के आधार पर योजना नहीं बनाते, हम जाति और धर्म के आधार पर योजना नहीं बनाते। ये सरकार मुस्लिम समाज को भयभीत करती है, हम लोगों की मदद करते हैं, नागरिकों के आधार पर हम लोगों की मदद करते हैं, संवैधानिक तौर से जीने का अधिकार आपने उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है, ना उनका सम्मान सुरक्षित है, ना उनकी इज्जत सुरक्षित है, ना भय सुरक्षित है, ना उनकी शिक्षा सुरक्षित है, ना उनके बनाए हुए स्कूल सुरक्षित है। एन कैन प्रकरण जो है आप जो है ऐसी योजना चाहते हैं जिससे कि मुस्लिम समाज भय में जिए और गवाह हुआ सरमर पर रहे आपके खिलाफ बोल ना पाए। आप लोगों को बांट कर राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर राजनीति करती है। मैं चुनौती देता हूं एक योजना का नाम बताइए जिसपे मुसलमानों के आधार पर मुसलमानों से विरोध किया गया हो, एक योजना का नाम बता के दिखाइए आप। बिल्कुल हम कृष्णकांत पांडे जी के जी बिल्कुल कृष्णकांत पांडे जी के पास चलेंगे। कृष्णकांत जी आपने सुना समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति कर रही है मुसलमानों को लेकर, बसपा अपनी राजनीति कर रही है और बीजेपी ये कहती है कि हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं और हम किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि 19% से ज़्यादा मुस्लिम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके पास कोई योजना है जिससे आपको लगे कि 2024 में मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट करे और उसकी वजह क्या है, क्यों वोट करे वो आपको? सिर्फ दो बातें करूंगा जी। चूंकि इस देश के हालात को देख के 8 साल में इस देश के जो हालात हुए उसके तहत हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रही है और हम लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए लोगों को बता रहे हैं कि 8 साल में क्या क्या हुआ इस देश में। हमारी स्थिति भूखमरी में बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब स्थिति में हम हैं। आर्थिक स्थिति क्या 119% GDP पे लोन था जब श्रीलंका दिवालिया की स्थिति में था, हम 90% पे हैं। हम लोगों से बता रहे हैं यात्रा के माध्यम से। दूसरी बात, आज बड़ा अच्छा काम आपने किया कि मैं बसपा और भाजपा के मित्रों को क्या हो गया है। अरे 2002 में इतना बड़ा दंगा गुजरात में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस दंगे के तुरंत बाद मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने गुजरात गई थी।
अरे धर्मवीर भाई क्या हो गया आज तो बहुत तड़ाम लड़ रहे हो भाई कि ये जो और हम तो हम किसी एक जाति और एक धर्म और एक मजहब की पार्टी नहीं है। इसमें कांग्रेस जब उड़ीसा में किया है लोग समझ नहीं पा रहे थे उस समय हमने दलित को आपके पास में 3 फुट जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश में टी एच या उड़ीसा में गिरधर कुमार चौक है मोहनलाल सुखाड़िया जो आपने हरियाणा समाज के साथ किया दलित समाज के साथ किया ओबीसी समाज के साथ किया इसीलिए तो वह पार्टी है हमने तो देश में आपको वापस कर दिया किसी भी जात को राष्ट्रपति हो चाहे सभापति राष्ट्रपति लोकसभा जो इन संकीर्ण अरे धर्मवीर जी चुप रहिए आपके चिल्लाने से कोई बढ़ रही है वोट देने आपको जा रहा है आप सोइए सोइए समाप्त हो गए हैं आप सोइए अब सारा मामला आपका फिनिश हो चुका है और एक जाति और एक धर्म किसी मजहब को लेकर कोई भी पार्टी राजनीति मनमोहन सिंह का फेलियर था और भारतीय जनता पार्टी की तो क्या सरकार दुनिया की पहली सरकार है जो बैठे हैं जहाँ न लोकसभा में एक सांसद एक धर्म के ना राज्यसभा में ना उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह दुनिया की एक पार्टी है तो बसपा और भाजपा क्या किसी जाति और धर्म की बात करेगी। कृष्णा जी धर्मवीर जी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी हसन साहब उनसे पूछ लेते हैं। चलिए इस बात का जवाब एक मुस्लिम स्कॉलर से ही ले लेते हैं ना सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हाजी साहब ये बताइए हाजी साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान खतरे में हैं बीजेपी सरकार जब से आई है उसका उत्पीड़न हो रहा है या जो विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं जो हमले कर रही हैं बीजेपी पर वो सही है? आपको लगता है कि कहीं एक जो भय का माहौल विपक्षी पार्टी बना रही है वो सही है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भारत की प्रमुख पार्टियां जो यहां पे मौजूद हैं आपके चैनल के पैनल में जी। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं जी कि क्या कांग्रेस के हमारे भाई जो बैठे हैं इन्हीं ने दो दो कमेटियां बनाई सच्चर कमेटी रंगनाथन मिश्रा ठीक है ये देश में आज सरकार में नहीं है जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है क्या वहां पे इन्हीं ने उसकी सिफारिशों को लागू किया या करेंगे या अभी तक अगर नहीं भी किया किसी भी वजह से तो क्या अगले हफ्ते में अगले महीने में हम देखेंगे और हम लोग इसी चर्चा में यहाँ पे आपके ही चैनल के माध्यम से बताएंगे कि ये सिफारिशें उन राज्यों में लागू हो गई? क्या तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से क्या भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रदेश में और देश में दोनों जगह सरकार है उसके उसके जहन में भी है क्योंकि ये तो सरकार भारत सरकार की ने कमेटी बनाई थी उसका सर्वे था तो क्या उन सिफारिशों को लागू करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मदरसों का सर्वे कराइए उसके बाद की योजना क्या है क्या करेंगे उन मदरसों का जो अनियमितताएं पकड़ी जाएंगी मैं कह रहा बिल्कुल सील कर दिए उनको जो मदरसे अगर गलत काम कर रहे हैं बिल्कुल सील कीजिए लेकिन जो सही कर रहे हैं और जिनके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए कितने फंड का इन्हीं ने अरेंज करके रखा है या अगले बजट में जी करेंगे जी। अगर करेंगे तो ये भी ऐलान इनको आज यहाँ इसी डिबेट पे करना पड़ेगा। बसपा से क्या सवाल है? और भारत अब रही बात है कि बसपा तो अभी कुछ उसका जमीनी वो दिखता नहीं है लेकिन ये अगर 24 के चुनाव में तो उतरेगी ना 24 के चुनाव में जिसका भी सहयोग करेंगी या खुद ये ऐसे पार्टिसिपेट करेगी तो क्या ये कोई नई कमेटी बना के मुसलमानों के हालात जानना चाहेंगी या रंगनाथन मिश्रा कमेटी या सच्चर कमेटी और जैसी कि ये बात कर रहे हैं उस तरह से ये क्या इनके पास इन क्या योजना है मुसलमानों को लेकर ये जवाब दे। समाजवादी पार्टी जो ये आज विरोध में खड़ी है और मुखर होकर विरोध कर रही है मदरसों को लेकर उसकी क्या रणनीति है क्या उसको डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है और क्या योजना है कि 24 में जब आएगी या अगले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जब वो वापसी करेगी तो उसकी क्या योजना है ये बता। हाजी साहब सबसे सवाल लेते हैं एक एक करके आप सभी ने सवाल सुने होंगे अपनी अपनी पार्टियों के सबसे पहले बीजेपी के पास चलते जी जी चौधरी साहब। हाजी हसन साहब जो अब जो मैं कह रहा हूं उस पर कलेजे पर हाथ रख के उसका जवाब दीजिएगा। नहीं उन्होंने सवाल किया जी। 1977 अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के विदेश मंत्री बनते हैं और विदेश मंत्री बनने के बाद मुस्लिमों को अरब मुल्क जाने का वीजा खोलते हैं और मुसलमान चौधरी साहब समय कम है चौधरी साहब बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है चौधरी साहब हमारे पास समय कम है चौधरी साहब हमारे पास समय कम है। हाजी साहब ने कहा जोशी ने की 1996 में आप बता
दीजिए भाई, उनका सम्मान करते हैं हम। हम आज भी लखनऊ वाले, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे तब तक भारी बहुमत से जीतते रहे। हमारे पास समय कम है चौधरी साहब, सम्मान करते हैं। धर्मवीर जी आपने सवाल सुना होगा, धर्मवीर जी आपने सवाल सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी साहब का जवाब नहीं देना चाहिए जी। धर्मवीर जी आपने सवाल सुना होगा, उसका जवाब क्या है? हाजी साहब ने एक सवाल किया है हर एक पार्टी से, धर्मवीर जी संजय जी ने अपना जवाब दिया है, हालांकि वो अपने अपने विषय से थोड़ा सा हटकर जवाब दिया, लेकिन आपका क्या जवाब है? देखिए श्रेय जी, बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में हम लोग काम करते हैं, और मुस्लिम समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी, उनको शिक्षा में भागीदारी, उनको आर्थिक उन्नति में भागीदारी, इन सभी मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ मुस्लिम समाज के साथ साथ प्रदेश के अन्य सभी वर्गों के साथ खड़ी हुई है। और उसमें मुस्लिम समाज ने जो गलती पिछले चुनावों में की है, मैं उम्मीद करूंगा कि मुस्लिम समाज के लोग उस गलती को सुधार करेंगे और बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम का गठजोड़ को आगे बढ़ा करके 2024 में इन संकीर्ण ताकत की जो सोच की ताकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी मनोज जी, मनोज जी, जी जी जी, मैं समय ज्यादा नष्ट नहीं करूंगा जी। जो हाजी साहब ने जो सवाल किया वो ठीक किया कि राजनैतिक और सबसे भागीदारी जरूरी है, तो आप अगर आंकड़े देख रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा कहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक अगर किसी पार्टी में है अल्पसंख्यक के, तो समाजवादी पार्टी में है। अगर आप पूर्व की हमारी सरकार का कार्यकाल देखें तो हमने 270,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करी, 9,000 हमने उर्दू शिक्षकों की भर्ती करी, हर तरह के हमारी ये मान्यता है समाजवादी संवैधानिक मान्यता है कि हर तरह के धर्म का, संप्रदाय का और हर तरह के मजहब के लोगों को सरकार का काम है। बिल्कुल कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, निरपेक्ष भाव से देखिए, बिल्कुल कृष्णकांत जी, समाजवादी पार्टी उसका हमेशा पालन करती है। आश्रय जी, सच तो यह है कि जो कुछ भी इस देश में हर जाति हर संप्रदाय के लिए किया, केवल और केवल कांग्रेस ने किया। चाहे सारे संवैधानिक पदों पर बैठाना रहा, हमने कभी जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, हमने योग्यता देखा। अगर उस योग्यता में मुसलमान आया, पिछड़ा आया, दलित आया, हमने उसको मौका दिया। और आज वक्त है देश बचाने का, यह देश बिक रहा है, सब लोग एक साथ एक झंडे के नीचे आइए, विपक्ष को एकजुट होने का वक्त है, आज देश खतरे में, देश बचाइए, आज इसकी अपील करने की जरूरत जी। बिल्कुल, आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णकांत पांडे जी आपका शुक्रिया, संजय चौधरी साहब, धर्मवीर जी, मनोज जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि सब पार्टियां हर तरह से ये चाहती हैं कि बीजेपी से टक्कर ली जाए, और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए एक जो कॉम्बिनेशन पहले बनना था, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, इस कॉम्बिनेशन को किसी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये टेढ़ी खीर है। अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो टेढ़ी खीर है। अब सर्वे का एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि दूसरी पार्टियों को मिलेगा, ये 2024 में पता चलेगा। लेकिन अभी की हकीकत ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी को अपने अपने तरह से चाल चलने की, राजनीतिक चाल चलने की एक मजबूरी है, क्योंकि 2024 को कोई चूकना नहीं चाहता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीट है, और यहाँ से चूके तो फिर केंद्र का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।